नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेम की शक्ति में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यह गुरु चांडाल योग क्या होता है और क्या है इससे मुक्ति पाने के उपाय। यह सब जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमें कमेंट कर बताएं हमारी जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल के भी बटन को दबाएं आगे आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए। दोस्तों जब कुंडली में गुरु के साथ राहु एक ही स्थान में बैठ जाए तो इस युति को गुरु चांडाल योग कहते हैं। जब दोनों ग्रह कुंडली के अलग अलग भाव में बैठकर एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तब भी गुरु चांडाल योग बनता है। चांडाल योग के कारण जातक के जीवन में हमेशा अस्थिरता बनी रहती है। दोस्तों यह योग जिस भी भाव या राशि में लगता है तो वह उस स्थान के शुभ प्रभाव को तो समाप्त करता ही है, साथ ही जहां भी उसकी दृष्टि होती है उसके प्रभाव को भी समाप्त कर देता है। तो दोस्तों गुरु चांडाल योग से मुक्ति पाने के उपाय, माथे पर रोजाना केसर हल्दी या चंदन का तिलक जरूर लगाएं। सुबह तालाब जाकर मछलियों को काले शावत उड़द या मूंग खिलाएं। हर गुरुवार को पूर्ण व्रत रखें। रात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। उत्तम चरित्र रखकर पीली वस्तुओं का दान करें और पीले वस्त्र पहनें। गुरुवार को पड़ने वाले राहु के नक्षत्र में रात्रि में बृहस्पति और राहु के मंत्रों का जाप करें। राहु के नक्षत्र हैं आद्रा, स्वाति और शतमेषा। बरगद के वृक्ष में कच्चा दूध डालें, केले का पूजन करें, गाय की सेवा करें। वाणी पर नियंत्रण रखें। व्यवहार में सामाजिकता लाएं। गणेश जी और देवी सरस्वती की भी उपासना कर सकते हैं। निर्णय लेते समय बड़ों की सलाह लें और अपने अंतर्मन की भी सुने। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही और आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रेम की शक्ति से। धन्यवाद।